अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है फर्स्ट ईयर के कोर्स से जो चैप्टर फर्स्ट है उसको भी जो है डिस्कशन अब करते हैं। लेक्चर सीरीज़ में जो है स्टोइकोमेट्री जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट थ्री टू फोर क्वेश्चन जो है ये मस्ट जो है आपको मिलते हैं। तो कोशिश करें कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह जो है इन क्वेश्चन को आसान बनाने में किस तरह जो है इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो है ये स्टैक्यू तो जनरली जो है अगर आप देखें तो स्टैक्यो का मतलब है एलिमेंट। इसको जो है हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टैक्यो वर्ड जो है इट स्टैंड फॉर द एलिमेंट्स। ये जो वर्ड है स्टैक्यो तो इट इज़ डिस्क्राइब फॉर द एलिमेंट के ये एलिमेंट्स के लिए। मेट्रिक का मतलब है मेजरमेंट, के यहाँ पे जो है इसमें हम क्या करते हैं स्टोइकोमेट्री जो है इसमें हम जो है एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं। एलिमेंट्स की मेजर मीन्स एलिमेंट की क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वान्टिटेटिव भी हो और या क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, स्टोइकोमेट्री में हम आमतौर पे जो है एक होते हैं आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स, एक अगर आप देखें तो दूसरा जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स की जो है हम क्या करते हैं, क्वांटिटी आप लोगों को गिवन होती है, द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आपको गिवन होती है। एंड क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है अमाउंट जो है आपको गिवन होगा। एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आपने फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को आप लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट के विद रेफरेंस टू रिएक्टेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्या मतलब इसका, लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये वाटर जो है प्रोड्यूस करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो अगर आप देखिए मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूँ कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट टू मॉलिक्यूल। तो क्वांटिटी क्या है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी इज केमिकल, ये रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। और ये अगर आप लोग देखें ये प्रोडक्ट्स है, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं ये प्रोडक्ट्स है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल आपको गिवन है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ ये क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट है और ये क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट के, ये दो वन कंबाइन होकर टू प्रोड्यूस करता है, ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये लिख देता हूँ कि लेट सपोज जो है यहाँ पर जो है ये अगर इसको मैं डबल कर लूँ, ये जो है डबल हो जाए तो टू का डबल फोर आता है और वन का डबल टू जो है आ जाता है। अगर ये कंबाइन होते हैं, अगर फोर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं विद द टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट, अगर इन रिएक्टेंट की क्वांटिटी डबल होती है तो ये भी डबल हो जाएगा। तो देयर इज नो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, इट्स अ सिंपल पॉइंट्स है। अगर ये क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि लेट सपोज ये टू है, ये ट्वेंटी हो, तो 20 के लिए मुझे कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस, 20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस। ये सिंपल मैथमेटिक्स है एंड जस्ट ओनली जो है तो देखें कि ये क्वांटिटी में मुझे मॉलिक्यूल में गिवन है। अगर मैं अब मैं इसको मोल में एक्सप्रेस करूं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल क्या है, क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मोल को यूनिट को यूज करते हैं। इफ वी हैव 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल, इफ वी हैव डबल करते हैं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 4 मोल ऑफ वाटर। इफ यू हैव 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 10 मोल 2:1, देखिए 2:1 है, अगर मैं 0 को जो है क्या कर लेता हूँ, इसको जो है हाइड कर लेता हूँ, अगर आप देखें इसको छुपा रहा हूँ तो फिर वही रेशो आप लोगों के पास 2:1 के साथ आ रही है। कंबिनेशन क्या है, 2:1 है और यहाँ पे 20 प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दो 200 मोल, तो 100 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट 200 मोल ऑफ वाटर। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 2000 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन विद द 100,000 जो है आप लोगों के पास 1000 मोल ऑफ द ऑक्सीजन, यू विल गेट जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, 2000 मोल ऑफ वाटर जो है ये प्रोड्यूस होगा। स्टोइकोमेट्री क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दोनों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस कर रहा हूँ।
तो ये मोल के बेस पे मैंने डिस्कशन की है। मैं एक और पॉइंट से डिस्कशन कर रहा हूं कि ये टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और यहां पे टू मोल ऑफ वाटर। टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम, एंड यू हैव टू राइट 2 × 18 ग्राम। 36 ग्राम इस साइड पे, 36 ग्राम उस साइड पे भी रिएक्ट कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं 8 ग्राम लेता हूं तो यहां पे जो है ये 32 का डबल क्या हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 है, 32 का डबल क्या होगा 64, तो 32 × 2 भी लिख सकते हैं, या बस आप लोग 64 भी यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लोगों के पास 72 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। अब यहां पे द रिएक्टेंट जो है दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी डिस्क्राइब इन मास, ये मास में डिस्क्राइब हो रहा है, यहां पे द रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है मास में। तो मैं डिफिनेशन की तरफ आ रहा हूं कि स्टोइकोमेट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आइदर जो है अगर आप मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करते हैं तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिस्क्राइब मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिस्क्राइब मॉलिक्यूल में। अगर आप इसको मोल में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो मोल की क्वांटिटी रिएक्टेंट की क्वांटिटी मोल में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मोल में। अगर आप जो है इसको मास में डिस्क्राइब करते हैं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी मास में और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मास में, तो ये मास मास रिलेशन, ये मोल मोल रिलेशन और ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिलेशन है। अगर आप इसको जो है नंबर से डिस्क्राइब करते हैं वो बाद में जो है डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट ब्रांच इज नोन एज स्टोइकोमेट्री, उसको स्टोइकोमेट्री से डिस्क्राइब करते हैं। स्टोइकोमेट्री में अगर आप लोग देखिए, इसमें दो क्वेश्चन जो है मेन हमने टारगेट करने, वी हैव टू सॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है पूरी स्टोइकोमेट्री में हमने। रिएक्टेंट की क्वांटिटी गिवन होगी, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट ये गिवन होगी, एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है आप लोगों को गिवन होगी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ये क्या होगी, ये गिवन होगी, ये वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी, एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी को आप लोगों ने फाइंड। ये दो क्वेश्चन है जिनको आप लोगों ने क्या करना है इस जो है चैप्टर में हमने डिस्क्राइब करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब जो है हमने इसी के बेस पे जो है सॉल्व करने हैं। लेट सपोज जो है इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन ये है कि इफ, लेट सपोज इफ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, हाइड्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट with two mole of chlorine gas, ठीक है, how many moles of the product will be formed? So how calculate how many mole of product are formed? तो कितने mole जो है product की formation होगी? तो आप लोगों को chemical equation भी given होगा, ये हाइड्रोजन है, इफ इट कंबाइन विद द क्लोरीन यू विल गेट यू है 2-hydrochloric acid। तो आप लोगों को बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगा और क्वेश्चन भी आपको गिवन होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि पहले तो इस पॉइंट को केमिकल इक्वेशन को देखिए, 1 mole ऑफ हाइड्रोजन के लिए वी नीड 1 mole ऑफ क्लोरीन, तो इट विल प्रोड्यूस 2 mole ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन ये इफ 2 mole ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये 1 से 2 हो जाए और यहां पे फिर क्या लिखा है कि 2 mole are allowed to react with the 2 mole और ये भी 2 mole हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट ये, इन दोनों की क्वांटिटी मुझे तो गिवन है लेकिन मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट क्या HCl है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर ये क्वांटिटी 1 mole, 1 mole, 2 mole प्रोड्यूस करता है, अगर मैं इनकी क्वांटिटी को डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, तो यू विल गेट 4 mole। तो मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है यहां पे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 1 mole, 2 mole प्रोड्यूस करता है, 1 mole, 2 mole प्रोड्यूस करता है, तो 2 mole जो है वो 4 mole प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। जब ये रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है डबल होगी तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डबल होगी, तो ये 2 mole है, तो 2 mole ऑफ हाइड्रोजन इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द 2 mole इट विल प्रोड्यूस 4 mole ऑफ HCl जो है ये प्रोड्यूस करेगा, दैट विल जनरेट 2। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है
कि द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट आप लोगों को गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये जो है केमिकल इक्वेशन. तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट है इस साइड पे और ये प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट की क्वांटिटी मुझे गिवन है, ये गिवन है, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है. सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं. मैं एक अनदर क्वेश्चन इस तरह लिखता हूं कि इफ लेट सपोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, हाउ मेनी मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट. कितने मोल जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करें कि इट प्रोड्यूसेस 10 मोल ऑफ HCl, के 10 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस करें. फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन और यहां पे ये 2 HCl है. प्लीज इस क्वेश्चन को देखें. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, 10 मोल, इसके मोल गिवन है, इसकी क्वांटिटी गिवन है, और डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि कितना रिएक्टेंट मुझे चाहिए इतनी प्रोडक्शन के लिए. यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज. आप लोगों ने इस वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. अभी मैंने डिस्कस कर लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन जब कंबाइन होता है तो 2 मोल प्रोड्यूस करता है. अगर ये 4 मोल हो जाए तो ये 2 मोल हो जाएगा, ये भी 2 मोल हो जाएगा. अगर ये 10 मोल हो जाए, लेट सपोज जो है अगर मैं इसको 10 करूं, देखें 2 का हाफ 1 मोल, तो हाफ मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल, मतलब 2 का हाफ आ रहा है ना, 2 का हाफ 1 आ रहा है. अगर ये 10 मोल मुझे चाहिए तो क्वेश्चन ये है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10 मोल ऑफ HCl, तो 1 1 कंबाइन होके 2 प्रोड्यूस करते हैं, तो 10 मोल ऑफ HCl. तो आप देखिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड यहां पे जो है रिएक्टेंट्स की क्या क्या वैल्यूज हैं, उनको जो है अपने यहां पे फाइंड आउट करना है. तो देखें, तो 2 का हाफ 1 है, तो 10 का हाफ क्या आता है, 5. ओके, 2 का हाफ 1 है, ये 1 मोल 2 प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल 2 प्रोड्यूस करता है. तो अगर ये 10 है तो ये 5, तो ये भी 5 होगा, तो 5 5 कंबाइन होकर 10 प्रोड्यूस करते हैं. सिंपल सी बात है, 1 1 कंबाइन होकर 2 प्रोड्यूस करें, अगर 2 2 कंबाइन तो 4 होगा, अगर 3 3 कंबाइन होता है तो यहां पे देखें ये 1 से 2, यहां पे जो है ये 1 से 2, जब इसको डबल कर रहा हूं, जब ये डबल हो रहा है तो यहां पे ये डबल हो रहा है, जब इसको 3 टाइम, ये भी 3 टाइम इंक्रीज, तो 3 टाइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 6. अगर ये 4 हो जाए, 4 4 हो जाए तो ये 8 हो जाएगा, और अगर ये 5 5 हो तो ये 10 हो जाएगा. ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन आपने रेशियो को जहन में रखना है. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट ब्रांच इज नोन एज स्टोइकोमेट्री. उसको स्टोइकोमेट्री से डिस्क्राइब करते हैं. अच्छा, तो हम ये तो खैर जनरल जो है इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसकी डिफिनीशन के लिए मैंने ये बातें लिखी हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को किस तरह यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो मोस्टली जो है जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आम रूटीन लाइफ में जो कैलकुलेशंस हैं उन रूटीन लाइफ की तरफ कैलकुलेशन हमने करनी है इसमें. सेकंड पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स जो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस. रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, ये जो है SI सिस्टम में जो है एक सिस्टम है. SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल में जिस तरह आप जो है एक यूनिट यूज करते हैं और वो है मीटर. तो मीटर इज मोस्ट यूज फॉर द लेंथ, लेंथ के लिए इसको यूज करते हैं. इसके अलावा जो है अगर आप टाइम के लिए देखते हैं तो टाइम के लिए हम सेकंड यूनिट यूज करते हैं. अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे डिमांड करते हैं कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए, तो हम उसको कहते हैं शुगर चाहिए, तो हम उसको कहते हैं मुझे 1 kg शुगर चाहिए, मुझे 2 kg शुगर चाहिए, मुझे जो भी डिमांड होते हैं रूटीन लाइफ में, जब मैं उसको 1 kg में बात करता हूँ तो वो समझ जाता है आसानी के. तो kg क्या है, kg जो है ये यूनिट है. अगर आमतौर पे हम जो है जिस तरह ये यूनिट डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अब मैं इस तरह नहीं कह सकता हूँ कि मुझे 1 kg एटम चाहिए. कि मैं जब भी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो इस तरह नहीं कहते कि मुझे 1 kg एटम मैंने लिए और या 2 kg एटम मैंने, वो इस तरह की बातें नहीं करते.
वो क्या करते हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल जो है उनको यूज़ करते हैं और इसके बेस पे जो है डिस्कशन करते हैं। तो मोस्टली मोल और रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल आमतौर पर जो है, अगर बिल्कुल जो है बेसिक में जो है मैं जल जाऊँ और बिल्कुल इसको बेसिकली जो है डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर आप लोग देखिए ये जो है आप लोगों के पास एक बैलेंस है और इस बैलेंस में जो है अगर मैं एक शॉपकीपर से डिमांड करता हूँ कि मुझे 1 kg पोटैटोस चाहिए, तो जब मैं उससे डिमांड करता हूँ तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे 1 kg पोटैटोस चाहिए, तो मैंने उसको 1 kg पोटैटोस का नाम बता दिया कि मुझे 1 kg, तो वो पहले क्या करता है, वो पहले 1 kg स्टोन को जो है एक जगह पे बैलेंस में रख देता है और फिर उसके बाद यहाँ पे पोटैटोस या शुगर रखना शुरू कर लेता है। और जैसे ही जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये इक्वल हो जाते हैं, मुझे तसल्ली हो जाती है कि यार ये जो है मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है, इसने मुझे एग्जैक्ट 1 kg पोटैटोस ही दिया है या 1 kg शुगर दिया है। तो इस 1 kg स्टोन को जो है जो यहां पे यूज किया गया है, इट इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, इट इज यूज एज अ रेफरेंस, जिसको डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड और इसके साथ थिंग्स को मैयर करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 kg स्टोन, मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो मैंने जब उसको बता दिया तो वो पहले क्या करता है, देखें मैंने ये बता दिया, वो पहले 1 kg स्टोन को रख देता है, फिर उसके बाद पोटैटो उसके नंबर डालता है और जब ये डालते हैं जैसे ये बैलेंस हो जाए, जैसे ये इक्वल हो जाए, तो मुझे तो बिल्कुल जो है मतलब ये बैलेंस हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसके 1 kg पोटैटोस की जो कीमत जो है अमाउंट है वो भी जो है अब 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। एक क्वेश्चन, तो ये गिवन है, मैंने इसको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया विद द रेफरेंस ऑफ दिस 1 kg स्टोन, मैंने जो है पोटैटोस के मास को फाइंड आउट कर लिया। अब घर में जो है, लेट्स सपोज जो है किसी जो है एक जमींदार है, उसके घर में बहुत ज्यादा है पोटैटोस या शुगर उसके घर में ज्यादा है, तो उसके जो है जितनी जरूरियात है उससे ज्यादा है। अब वो शॉपकीपर के पास जाता है और शॉपकीपर के पास जब चला जाता है, उसको जो है देता है कि यार ये लो और ये चीज़ जो है मेरे घर में ज़्यादा है और ये आप लें, और ये जो है 10 kg है या 5 kg है या जो है 10 kg है, जितना भी वो बताता है। अब शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर जो है अपनी तसल्ली के लिए उसको जो है बैलेंस में रखता है। तो जब वो उसको कहता है, किसान कहता है कि 10 kg पोटैटोस है, तो वो पहले यहाँ पे पोटैटोस को रख देता है, पहले kg बैलेंस में पोटैटोस को यहाँ पे रख देता है। और ये जो है वो जनरली जो है किसान ने कहा है कि यार ये 10 kg पोटैटोज है, मैंने 10 kg पोटैटोज आपको दिए हैं, 10 kg है। अब ये मुझे जो है गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो अब शॉपकीपर क्या करता है, एक 1 kg स्टोन रख देता है, फिर उसके बाद दूसरा डाल देता है, तीसरा डाल देता है, चौथा डाल देता है, पांचवा डाल देता है, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे ये 10 kg स्टोन वो यहां पर कंप्लीट कर लेता है और अगर ये इसके बराबर हो तो उसको तसल्ली हो जाती है कि नहीं ये मेरे साथ, ये किसान मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा है। अब ये वैल्यू पोटैटोस की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द 1 kg स्टोन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर विद रेफरेंस टू दिस फाइंड कर रहे हैं। द सेम सिचुएशन विद स्टॉइकोमेट्री, रिएक्टेंट्स जो है जिस तरह मैंने यहां पर डिस्कस किया कि ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट में गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड रिएक्टेंट की क्वांटिटी। ये दो क्वेश्चंस हैं। देखें, एक जगह पे 1 kg नाउन है, मैं पोटैटो को फाइंड आउट करो, दूसरी जगह मुझे पोटैटो नाउन है, मैं kg को फाइंड आउट कर रहा हूं, सिर्फ जो है इनवर्स है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह साइंटिस्ट जब आते हैं और वो एटम्स की तरफ आते हैं, एटम्स की मेजरमेंट करते हैं, तो एटम्स को kg में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उनके लिए उन्होंने एक अनदर स्केल जो है साइंटिफिक लैंग्वेज, एक अनदर स्केल जो है उन्होंने ड्राइव किया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में ये kg का 1 kg स्टोन, मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है बैट्रिक में ये पढ़ा होगा कि ये जो है 1 kg स्टोन जो होता है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड और ये प्लैटिनियम से बना होता है और इसको जो है पेरिस के साइंटिफिक म्यूजियम में जो है वहां पर रखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो पेरिस में साइंटिफिक म्यूजियम है और जितनी भी जो है इंटरनेशनल मेजरमेंट होती है, यूनिट्स होते हैं, वो सब के जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं वहां पे उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। तो वहां पे जो है उन्होंने स्टोर किया हुआ है, वहां पे जो है इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में जो है, जो एटॉमिक मास स्केल है, साइंटिस्ट जो है एटम के मासिस को फाइंड आउट करने के, एक एलिमेंट के एटम के मासिस को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव का मतलब क्या है, मैं यहां पर रिलेटिव में यह है कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा और इस रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ अननोन की क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेट करना इसके मास के साथ, पोटैटोस के मास को मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड रिलेट कर रहा हूं। रिलेटिव का मतलब यह है।
अब अगर मैं यहाँ पे जो है जिस तरह वन की स्टोन, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास स्केल में जो है कार्बन को इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, कार्बन को जो है उन्होंने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है. सो द कार्बन एटम इज यूज एज अ रेफरेंस, वन कार्बन 12 एटम, वन कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप की बात करूं जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है दैट इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, और वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट. प्लीज इसको देखें, अगर हम आमतौर पर देखें तो एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं, एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं, एक दर्जन में अ सिंगल एक दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं, एक कार्बन 12 एटम में 12 एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं. अगर मैं ये कहूं कि अ सिंगल एटॉमिक मास यूनिट में कितने कार्बन 12 एटम्स होंगे, तो वी कैन आल्सो डिस्क्राइब कि ये क्रॉस हो जाएगा और ये, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम. 1/12 मैंने क्रॉस कर लिया, तो इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम. तो जो एटॉमिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया, मैक्रो नहीं माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जब भी एक एटम के लेवल पे हम बात करते हैं तो उसके लिए एटॉमिक मास स्केल यूज करते हैं और इट इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड. तो आप लोग देखें जिस तरह हम जो है एक दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 नंबर, अगर मैं यहां पे लिखूं कि एक नंबर में कितने दर्जन होंगे, अ सिंगल नंबर में 1/12 ऑफ दर्जन नंबर होंगे, 1/12 पार्ट ऑफ दर्जन होंगे. अ सिंगल नंबर में कितने दर्जन होंगे, 1/12 पार्ट ऑफ दर्जन होंगे. बिल्कुल इसी तरह कि एक कार्बन 12 एटम में 12 एटॉमिक मास यूनिट होते हैं, तो एक ही म्यू में 1/12 कार्बन 12. अब क्या करता है देखिए पास में प्लीज, ये तो मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करता हूं लेकिन इट इज यूज फॉर द एटम मास स्केल में जो है एटॉमिक, जो एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमीटर हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस करना था, वहां पे हमने इसको डिस्क्राइब किया था, वो अगर आप लोगों को याद हो रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल वहां पे जो है मतलब प्रेजेंट होता है. अगर आप लोग देखें, अब हम मैं ये जेनेट बैलेंस ले रहा हूं, इट इज यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड है. 1 amu इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 amu इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम है. मैं क्या करता हूं, मैंने एक एटम को यहां पे रख दिया, ये पोटैटो नहीं है, एक एटम है. अब मैं एटम के लेवल की दुनिया में आ जाता हूं, एक एटम को यहां पे रख दिया और इसके मास को मेजर करने के लिए मैंने एक 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे डाल दिया है. 1/12 कार्बन 12 एटम का पार्ट जो है वो मैंने यहां पे डाल दिया. अगर ये दोनों बैलेंस हो जाए, व्हाट शुड बी द मास ऑफ दिस, ये इसका तो मुझे पता है कि ये 1 amu के बराबर है. अगर ये दोनों एक सिंगल 1/12 ऑफ कार्बन 12 मैंने बराबर ऐड कर लिया और ये दोनों बैलेंस हो जाए, इसका मतलब इस अननोन एलिमेंट का जो मास होगा वो 1 amu के बराबर है. जिस तरह मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरे पास जो है यहां पे पोटैटो पड़े हैं, ये पोटैटोज हैं, पोटैटोज, और मैं यहां पे 1 kg स्टोन रख देता हूं, और अगर ये 1 kg स्टोन यहां पे मैंने रख दिया है और ये जो है बराबर हो जाए, तो इसका मास क्या होगा, 1 kg के बराबर होगा कि नहीं. बिल्कुल इस तरह एक एटम मैंने यहां पे रख दिया है और एक एलिमेंट का एक एटम यहां पे रख दिया और यहां पे 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम एक यहां पे डाल दिया और ये दोनों बैलेंस हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि इस एटम का मास 1 amu के बराबर है. अगर मैं एक अननोन एलिमेंट को यहां पे रख देता हूं, उसका एटम यहां पे रख देता हूं, मैं एक 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे रख दूं, नॉट बैलेंस, मैं दूसरा रख दूं, नॉट बैलेंस, तीसरा रख दूं, नॉट बैलेंस, फोर्थ वन रख दूं, मैं 10 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम यहां पे रख दूं, ये बराबर हो जाए, व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस अननोन एलिमेंट, 10 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा. सो द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को हम क्या करते हैं, डिफाइन इस तरह करते हैं, इस तरह हम जो है डिस्क्राइब करते हैं. देखिए 1/12 पार्ट कि द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम का मास दैट रिलेट विद द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, इज नोन इज द रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है डिस्क्राइब होगा. सो इट इज डिस्क्राइब कि इट इज द कंपैरिजन है, क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, और ये यहां पे एटम, ए सिंगल एटम ऑफ द एलिमेंट है. सो कंपैरिजन है,
जस्ट ओनली जो है एक एटम का मास विद द हाउ मेनी नंबर ऑफ वन ओवर 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ इसकी कंपैरिजन को जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं. तो ये इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है यहां पे यूज करते हैं. नाउ वी नो दैट वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम में 12 एम यू होते हैं, लेकिन वन मोल में 12 ग्राम्स होते हैं, नॉट 12 एम यू. वन मोल में 12 ग्राम्स होते हैं, नॉट 12 एम यू. एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में एक्सप्रेस करें, मोल्स, एंड वी कैन डिस्क्राइब वन मोल में 6.022 इनटू 10 रेस टू पावर 23 कार्बन 12 एटम्स होते हैं. एक मोल, ये एक एटम ऑफ कार्बन 12 और यहां पे इतने कार्बन 12 एटम. अगर आपके पास 6.022 इनटू 10 रेस टू पावर 23 कार्बन 12 एटम्स हो तो उसका मास 12 ग्राम के बराबर है. अगर आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम हो तो उसका मास 12 ग्राम के, एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर होगा, एक कार्बन एटम का मास किसके बराबर होगा. तो यहां पे इसको क्रॉस करें और यहां पे ये लेके आए, तो अ सिंगल कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10 रेस्ट पावर 23 इसके बराबर है. ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है. देखें इक्वेशन वन, नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, 1 AMU इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाइड, देखें 112 मल्टीप्लाइड, ये वन कार्बन 12 एटम इसके बराबर, ये वन कार्बन 12 एटम है कि नहीं, तो वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इन 10 रेस्ट पावर 23 है. वी कैन कैंसल, यहां पे कैंसिल हो जाएगा. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इन 10 रेस्ट पावर 2, इन दोनों का रेशियो निकालें, 1.64 इन 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2 जो है यहां पे 24 ग्राम इसके बराबर है. ठीक है, तो यहां पे अगर 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 2 4 ग्राम के बराबर है, इतने ग्राम्स होते हैं. तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है मास में ग्राम में 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 2 4 ग्राम के बराबर है. ये आप लोगों के पास इसके पॉइंट है, ये एक एटॉमिक मास यूनिट इतने ग्राम के बराबर है. अगर आप लोग देखें, मैं इसको जनरली जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि अक्सर इस तरह के पॉइंट भी आ जाते हैं. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 27 kg के बराबर है. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर है. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 21 मिलीग्राम के बराबर है. मिलीग्राम में जो है हर एक में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है. 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 18 माइक्रोग्राम. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 15 नैनोग्राम. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेस्ट पावर माइनस 12 नैनो जो है पाइकोग्राम. And one atomic mass unit is also equal to a mass of a single proton. One atomic mass unit is also equal to a mass of a single neutron. One atomic mass unit is also equal to a single hydrogen atom. A single hydrogen atom के बराबर होता है. ठीक है? तो ये सब के सब अगर आप देखें, एक hydrogen atom one atomic mass unit, एक neutron का mass one atomic mass unit, एक proton का mass one atomic mass unit. तो अगर 6 प्रोटॉन हो तो 6 एटॉमिक मास यूनिट, अगर 10 प्रोटॉन हो तो 10 एटॉमिक मास यूनिट. और इसमें इतने केजीज होते हैं, इतने ग्राम्स होते हैं, इतनी मिलीग्राम्स होते हैं, इतने माइक्रोग्राम्स होते हैं, इतने नैनोग्राम्स होते हैं, इतने पाइकोग्राम्स होते हैं, इतने प्रोटॉन्स होते हैं, इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं और इतने हाइड्रोजन एटम्स के लिए डिस्क्राइब होते हैं. तो ये अगर आप लोग देखें जनरल जो है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में जो है हम इस तरह डिस्क्रिप्शन करते हैं कि यहाँ पे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ इनकी कंपैरिजन करते हैं. सो द नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, नंबर ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, द हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट, बल्कि इस तरह भी लिख सकते हैं हाउ मेनी AMU, हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट आर दियर इन. मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं,
10 जो है ग्रेम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट, आसान सा पॉइंट 1 AMU, ये रिलेशन याद रखिए 1.6 एंड 10^-24 ग्राम। तो ये पॉइंट जहन में रखें, हाउ मेनी AMU मुझसे डिमांड इसकी है, मुझे ये वैल्यू गिवन है, तो यहां पे 10 ग्राम जस्ट ऑनली क्रॉस करें, तो ये क्रॉस करें, क्रॉस 1.6 एंड 10^-24 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU डिवाइड बाय 1.6 एंड 10^-24, तो ये यहां से क्रॉस करें वहां पे लेके जाए, यू विल गेट XAMU। हाउ मेनी AMU आर देयर इफ 10 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ए जो है यहां पे ग्राम्स, अब ग्राम्स की बात कर रहा हूं, आर देयर इन, इसको डिस्क्राइब करता हूं, 50 AMU ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, अगर आपके पास एलिमेंट्स जो है उसके ग्राम्स जो है फाइंड आउट करने और AMU गिवन हो, क्या करें, आप देखें 1 AMU में 1.6 एंड 10^-24 ग्राम्स होते हैं, यू हैव टू फाइंड x ग्राम, और कितने AMU गिवन है, 50 AMU गिवन है, क्रॉस करें, जस्ट ओनली क्रॉस, x ग्राम विल बी 1.6 एंड 10^-24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 50 AMU, आप लोग कर सकते हैं, यू कैन इजिली फाइंड। अगर आपको kg में गिवन हो तो ये रिलेशन यूज करें, अगर ग्राम में गिवन हो तो ये रिलेशन यूज करें, अगर मिलीग्राम में हो, माइक्रोग्राम में हो, नैनोग्राम में, पाइकोग्राम में, प्रोटॉन नंबर में, न्यूट्रॉन नंबर में, हाइड्रोजन एटम में, ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों ने क्या करने हैं, इनको याद रखना है और इनको जहन में रखना है। एटॉमिक मास यूनिट में एक दूसरा पॉइंट है कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, इस क्वेश्चन को देखें कि यहां पे हाउ मेनी एटम्स आर देयर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम जो है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैं यहां पे सोडियम, ऑक्सीजन हो, जो भी हो एलिमेंट्स जो है सोडियम, आर देयर इन, मैं रिप्रेजेंट करता हूं 230 AMU ऑफ सोडियम, इफ यू हैव 230 AMU ऑफ सोडियम, हाउ मेनी एटम्स इसमें कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटम्स को। देखें इस क्वेश्चन को, अ सिंगल सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 AMU, a single sodium atom is equal to 23 AMU, if we have 230 AMU, देखिए 23 के साथ एक जीरो लग गया, आसान से बात है, 1 के साथ जीरो लगाए 10 AMU, तो क्रॉस जो है आप क्या करें, सोडियम एटम को फाइंड आउट करें, आसान सा पॉइंट, 23 के साथ जीरो लग गया तो 1 के साथ भी जीरो लग जाएगा, वी कैन फाइंड XNA इनटू 23, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इसकी, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 230 AMU इंटू 1 सोडियम एटम, क्या करें 23 को यहाँ पे क्रॉस करें, 23 क्रॉस में 10 रह जाए, मैंने तो कहा ना कि 23 के साथ जीरो लगा तो यहाँ पे 1 के साथ भी जीरो लगा, तो अगर आप लोग देखें तो हाउ मेनी एटम विल बी दियर, 10 सोडियम एटम विल बी दियर, द नंबर ऑफ एटम विल बी 10। ये दो क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी देखें नंबर ऑफ एटम में। सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कि हाउ मेनी AMU आर देयर, हाउ मेनी AMU आर देयर इन, जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं, 40 मॉलिक्यूल्स आर एटम्स ऑफ हीलियम, इफ वी हैव 40 एटम्स ऑफ हीलियम तो हाउ मेनी AMU आर देयर, इसमें कितने AMU होंगे, आसान सा पॉइंट, अ सिंगल हीलियम एटम मॉलिक्यूलर एटम इज इक्वल टू 4 AMU के बराबर है, एंड इफ यू हैव 40 तो हाउ मेनी AMU विल बी देयर, जस्ट क्रॉस करें इसको, क्या करें क्रॉस करें, तो 1 हीलियम एटम इसके साथ क्रॉस करें तो 4 मल्टीप्लाइड 40 AMU आप लोगों के पास जो है यहां पे रह जाएंगे,
तो ये राउंड अबाउट जो है अगर आप देखें तो ये 160 AMU जो है आपके पास होंगे। तो एक में जो है 4 AMU होते हैं, तो 10 में जो है 40 हो जाएंगे, 20 में जो है अगर इसको 20 कर लेता हूँ तो 40 से जो है ये 80 हो जाएंगे, अगर मैं इसको 30 कर लेता हूँ तो ये 120 हो जाएंगे, और अगर मैं इसको 40 कर लेता हूँ तो ये 160 हो जाएंगे। तो वही 160 AMU आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक जनरल रिलेशन है, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। AMU में जो है एक जो है मासेज इंटर कन्वर्जन, ये आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट और मास केजी में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, जो भी आप लोगों को ये है, यहाँ पे मैंने एक इंटर कन्वर्जन ये डिस्कशन की है, एटॉमिक मास यूनिट और मास इंटर कन्वर्जन। दूसरा जो है मैंने ए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और AMU में इंटर कन्वर्जन, ये AMU नंबर ऑफ एटम एंड AMU सेकेंड रिलेशन ये है। थर्ड रिलेशन जो है अगर आप देखिए, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम्स, तो थर्ड रिलेशन जो है ये है, ठीक है। तो इन तीन रिलेशन को आप लोगों ने जहन में रखना है, और ये जो है इंट्रोडक्शन है अबाउट द स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री से जो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मोर पे डिस्कशन करते हैं।